students, how are you? I hope you are fine. Today we are start your math study. This is your math book, and now we are start your chapter 2, Roman numbers. Roman numbers क्या होते हैं? जैसे कि हम अपने numbers होते हैं normal 1, 2, 3, 4, इनको हम कैसे Roman number में convert करते हैं? तो अपना question क्या है? Roman numbers with their Hindu Arabic numbers. हिंदू अरेबिक नंबर्स मतलब जो नॉर्मल नंबर्स हैं 1, 2, 3, इनको किस में कन्वर्ट करना है हमको? रोमन नंबर्स में. अपना नंबर 1 है, 1 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? 1. देन 2 को 1 में 1 और प्लस करेंगे तो 2, तो 1 1 2, तो रोमन नंबर 2 का रोमन नंबर क्या होगा? ये होगा. देन 3 का क्या होगा? ट्रिपल लाइंस. 4 4, वी में माइनस, अगर पीछे के साइड जाएंगे तो एक नंबर माइनस होगा और अगर आप आगे के साइड जाओगे तो एक नंबर प्लस होगा. तो वी में 1 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा रोमन नंबर? 4. देन वी बनाएंगे तो 5. देन वी में 1 प्लस करेंगे, आगे के साइड कर रहे हैं तो आपका ऐड हो रहा है, तो ये रोमन नंबर किसका था? 1 1 का था. तो 6 में वी में 1 प्लस करेंगे तो रोमन नंबर किसका होगा? 6 का. वी में अगर 2 प्लस करेंगे तो किसका रोमन नंबर होगा? 7 का. V में प्लस 3 करेंगे तो किसका रोमन नंबर होगा? 8 का. 9. 10 का रोमन नंबर हमारा x होता है, x में अगर इस साइड पीछे के साइड कर रहे हैं तो क्या होगा? माइनस, तो वो किसका रोमन नंबर होगा? 9 का. देन 10 का रोमन नंबर क्या होगा? x. अब अपन लोग बनाते हैं, आप लोग देखिएगा. 10 तक आप समझ गए, तो 10 का रोमन नंबर, एक आपको 5 का रोमन नंबर याद रखना है कि 5 का क्या होता है? वी, और 10 का क्या होता है? x. अब देखो हम 11 का बनाते हैं. 11 का कैसे बनाएंगे? 10 में कितना प्लस हो रहा है? 10 में 1 प्लस हो रहा है तो क्या बन रहा है? 11. तो x में हम कितना प्लस करेंगे? 1. तो किसका रोमन नंबर बन जाएगा? 11 का. देन सब ऐसे ही 12 में कितना प्लस कर देंगे? तो x में 1 एंड देन 2, तो किसका रोमन नंबर बन गया? 12 का. ऐसे ही सिमिलरली 13 का क्या बनेगा? 1 2 3, तो ये 13 का रोमन नंबर हो गया. 14 का क्या है? x बनाया, और हमारा 4 का रोमन नंबर क्या था? 1 एंड देन b, तो यही हम उसमें ऐड कर देंगे 1 b, तो ये किसका रोमन नंबर हो जाएगा? 14 का. 15 का क्या होता है? 10 का क्या होता है? x. 10 में कितना प्लस करना पड़ता है जब 15 होता है? 5. तो 5 का रोमन नंबर हमारा क्या होता है? v. तो वही x प्लस v, तो किसका रोमन नंबर हो गया? 15 का. ऐसे एक्स बी 1, 16 का रोमन नंबर हो गया. एक्स बी 11, तो किसका हो गया? 17. एक्स बी 111 किसका हो गया? 18. फिर डन देखो 19 का क्या होगा? एक्स, अब पीछे के साइड 9 का रोमन नंबर क्या है हमारा? 1x, तो पीछे के साइड पे ऐड अप कर दे तो 1x, तो 19. और 20 का होता है डबल एक्स. ये आपके 1 to 20 रोमन नंबर्स हैं. फिर से 1 का क्या होगा? 1 आपको किस किस के याद रखने हैं? आपको 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर सबके याद रखने हैं. बस फिर आपको इसके आगे एड अप करना, करते रहना. आप जैसे 21 का बनाओगे तो 20 का क्या है? डबल एक्स. तो 21 में क्या हो जाएगा? 20 में 1 ऐड करेंगे तो 20 का डबल एक्स और 1, 21. समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू.